रैली पावर ऑटोमेटिक पोर्ट वॉल्व में आपका स्वागत है। ये एक सॉफ्टवेयर वॉल्व है, मैं इसको प्रोग्राम करना बताऊंगा इस वीडियो में आपको। ये सॉफ्टवेयर वॉल्व मीटर मोड एंड टाइम मोड दोनों मोड्स में काम करता है। ये सॉफ्टवेयर वॉल्व इस टाइम पे मीटर मोड में सेट है, इस वजह से मैं आपको मीटर मोड की प्रोग्रामिंग बताऊँगा इस वीडियो में। और ये टाइम मोड है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये तीनों स्टेटस इंडिकेटर्स हैं, क्लॉक, टाइम एंड सेट। ये तीनों स्टेज इंडिकेटर्स हैं, सर्विस स्टेज, रीजनरेशन स्टेज एंड ड्रेन्स स्टेज। ये चारों सेटिंग बटन्स हैं, एंटर, एग्जिट, डाउन एंड अप। ये मीटर मोड इंडिकेटर्स हैं, क्यूबिक मीटर एंड क्यूबिक मीटर पर आर। 1 cubic meter is equal to 1000 liter. This indicator represent flow rate of water per hour. ये flow meter है, जितना भी पानी इसके through जाएगा जो sense होगा वो meter cube per hour की respect में यहाँ पे आपको screen पे show करेगा। ये सॉफ्टवेयर वॉल्व इस टाइम पे लॉक स्टेज में है। जब लॉक स्टेटस इंडिकेटर ऑन होगा तब यह मल्टीपोर्ट वॉल्व लॉक स्टेज में होगा। इसकी सेटिंग्स को मॉडिफाई करने के लिए हमारे को इसको पहले अनलॉक करना होगा डाउन एंड अप बटन को प्रेस करके फॉर 2 seconds। दोनों बटन्स को एक साथ प्रेस करिए। जब लॉक स्टेटस इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा मतलब ये AMP भी अब अनलॉक स्टेज में है और अब हम इसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। टाइम इंडिकेटर अभी ऑफ है, जब स्क्रीन पर टाइम डिस्प्ले होगा तो टाइम इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा। अब हमारे को सेटिंग्स में जाने के लिए प्रेस एंटर बटन, सेटिंग इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और अब हम इसकी सेटिंग्स को कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे को इसका टाइम सेट करना होगा। प्रेस एंटर बटन। 24 आवर्स के फॉर्मेट में हम इसके अंदर टाइम को सेट करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:05। ये आवर्स हैं और ये वाले मिनट्स हैं। 11 मिनट्स ठीक है। प्रेस एंटर यूजिंग अप एंड डाउन बटन। इसको मैं 5 करूँगा। प्रेस एंटर बटन, सेव। जब आपकी स्टेटस सेट इंडिकेटर कंटिन्यूसली ऑन हो जाएगा मतलब आपने जो टाइम सेट किया है वो ठीक सेव हो चुका है। अब मेरे को नेक्स्ट स्टेज पे जाना है। प्रेस डाउन बटन। ये सर्विस स्टेज है, क्यूबिक मीटर की यूनिट्स में ही रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट है वो लीटर से और पॉइंट के पहले वाली डिजिट है वो क्यूबिक मीटर है। मेरे को रीजनरेशन सर्विस टाइम सर्विस साइकिल 6500 लीटर की चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे 6.5 डालना पड़ेगा। अभी ये 9800 लीटर पानी रिप्रेजेंट कर रहा है। जब सेटिंग करते करते टाइम आपके अगर यहाँ से LED ऑफ हो जाती है तो हमारे को दोबारा से सेटिंग में एंटर करने के लिए प्रेस एंटर बटन, प्रेस डाउन बटन, वापस अपने सर्विस स्टेज पे जहाँ पे भी छूट गया था वहाँ पे वापस आ गया। प्रेस एंटर बटन। मुझे 6.5 मतलब 6500 लीटर पानी को सर्विस स्टेज में डालना है। अब मैं इसको 6.5 तक लेके जाऊँगा यूजिंग अप एंड डाउन बटन। सेट हो गया। प्रेस एंटर बटन, सेव। अब मेरा 6500 लीटर और 6.5 क्यूबिक मीटर पानी टैंक में जाएगा। प्रेस डाउन बटन। ये रीजनरेशन है मतलब रिचार्ज करना है मीडिया को। सॉल्ट आता है वेसल में, ये उसके लिए सेटिंग है।
ब्राइन टैंक से सॉल्ट को सक्शन कराने के लिए प्रेस एंटर बटन। मेरे को 60 लीटर सपोज मेरा टैंक 100 लीटर का, तो 60 लीटर मेरे को इसके अंदर डालना है। अप एंड डाउन बटन, इसको मैं 0 करूँगा। प्रेस एंटर बटन, इसको 60 कर लेते हैं। सिक्सटी लीटर सेट हो गया, प्रेस एंटर बटन, सेव। पॉइंट के पहले वाली डिजिट्स ये लीटर्स को रिप्रेजेंट कर लिया, और पॉइंट से पहले वाली डिजिट है वो क्यूबिक मीटर को रिप्रेजेंट कर लिया। ये मेरा 60 लीटर रीजनरेशन लीटर सेट कर दिए। प्रेस डाउन बटन। ये लेंस है, वॉश टाइम। अभी पॉइंट के पहले वाली डिजिट्स हैं वो भी सारी के सारी लीटर्स में हैं, और पॉइंट से पहले वाली क्यूबिक मीटर में है। मेरे को 500 लीटर ही रिंस रखना है, तो मैं इसको इतना ही रहने दूंगा। अगर आपको मॉडिफाई करना है, प्रेस एंटर बटन। आप यहाँ पे जितने भी लीटर्स या फिर क्यूबिक मीटर्स में आपको भी वैल्यू डालनी है तो वो डालिए। प्रेस एंटर बटन, लीटर्स अगेंस्ट सेट करिए। प्रेस एंटर बटन, सेव। प्रेस डाउन बटन, B04 मतलब ये सभी मोड्स हैं। ये मल्टीपोर्ट वाल्व को ऑटोमेटिकली वर्क कराने के लिए, ऑटोमेटिकली पंप को ऑन ऑफ कंट्रोल करने के लिए, ISV को कंट्रोल करने के लिए इसमें 5 मोड्स अवेलेबल हैं। इसका लिंक, इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक्स या फिर वीडियो मैनुअल्स में मिल जाएगा। जनरली मैं इसको P00 पे सेट करता हूँ सॉफ्टनर के केस में, और प्रेस एंटर करके सेव कर देता हूँ। प्रेस डाउन बटन। ये रीजनरेशन टाइम है, किसी स्पेसिफिक टाइम पे आपको रीजनरेशन चाहिए तो ये 99 की सेटिंग आती है। 99 मतलब कैंसिल डिले रीजनरेशन। और अगर आपको डिले रीजनरेशन किसी स्पेसिफिक रात को 2 बजे चाहिए सपोज, तो आपको आप उसके अंदर 24 आवर के फॉर्मेट में इसके अंदर टाइम को सेट कर सकते हैं। प्रेस एंटर बटन, यूजिंग अप एंड डाउन बटन आवर्स को सेट करिए। उसके बाद मेरे को अभी फिर उसके बाद मिनट्स को सेट करना है। मिनट सेट करने के बाद प्रेस एंटर करके आप आपको जो भी स्पेसिफिक टाइम पर रीजनरेशन चाहिए उस टाइम को डाल दीजिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपोर्ट वॉल्व टाइम। उसके बाद प्रेस, अभी मेरे को डिले रीजनरेशन नहीं चाहिए तो मैं इसको कैंसिल रखना चाहता हूँ, तो प्रेस एंटर बटन, इसको 99 करके मैं इसको एंटर करके सेव कर दूँगा। प्रेस डाउन बटन। L01, L02 मतलब नंबर ऑफ टाइम्स रीजनरेशन है। सपोज आपका ब्राइन टैंक 100 लीटर का है, और आपको आपको रिचार्ज करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए 200 लीटर चाहिए, और आपने वन टाइम में आप सिर्फ 100 लीटर ही डाल पाते हैं, तो इसलिए उसमें आप 100 लीटर को सेट कर दीजिए और यहाँ पे L02 कर दीजिए, तो आपको 200 लीटर रीजनरेट होगा बैक टू बैक। मतलब पहले 100 लीटर एक साइकिल में होगा, और उसके बाद फिर से रीजनरेट होगा, सर्विस स्टेज में ना जाके रीजनरेशन स्टेज में फिर से आ जाएगा। और इसमें आप मैक्सिमम 8 टाइम तक रीजनरेट कर सकते हैं बैक टू बैक। अभी मेरे को 1 टाइम ही चाहिए, तो मैं इसको अप डाउन बटन से यूज़ करके इसको 1 कर दूंगा। प्रेस एंटर करके मैं इसको सेव कर दूंगा। प्रेस डाउन बटन। टाइम पे हम वापस आ गए, मतलब पूरी सेटिंग्स को हम कर चुके हैं, और जब हमारे को हमारी सेटिंग्स हो जाएंगी और हमारे को एग्जिट बटन प्रेस कर दीजिए, आप सेटिंग मोड से बाहर आ जाएंगे। सेट इंडिकेटर जब आप ऑफ, आपका ऑफ हो जाएगा। जो भी आपने टाइम सेट किया है, 60 लीटर मैंने रीजनरेशन सेट किया था, तो उस टाइम पे मेरा रीजनरेशन इंडिकेटर ऑन है। और यहाँ पे ये क्यूबिक मीटर, जब आपका फ्लो मीटर यहाँ से फ्लो सेंस करेगा, तब यहाँ पे आपकी मीटर क्यूब पर आज में रीडिंग शो करेगी। अभी मल्टीपोर्ट वॉल्व मेरा प्रोग्राम हो चुका है, और आपके प्रोग्राम करने के बाद अगर ये सर्विस स्टेज में है और आप स्टार्टिंग में इसको
रीजनरेट करना चाहते हैं तो मैन्युअली एग्जिट बटन को प्रेस कर दीजिए, यह आपकी नेक्स्ट स्टेज में मैन्युअली शिफ्ट हो जाएगा। अभी ये रीजनरेशन स्टेज में था तो यह भी रेंज में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।